हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं परमानेंट पोस्ट नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ पे, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक एफिलिएटेड कॉलेज से वैकेंसीज़ हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे परमानेंट पोस्ट हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, और लास्ट डेट आपके सामने यहाँ पे मेंशन है 20 फरवरी लास्ट डेट है, तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है फॉर्म फिलिंग के लिए। पूरी डिटेल आपको बताएंगे कितनी पोस्ट हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं सभी नोटिफिकेशन को यूट्यूब से भी पहले देखने के लिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरीके की टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, यह है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये एफिलिएटेड कॉलेज है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज़ यहाँ पर टोटल जो है वो 9 पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, और काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पर 40 वैकेंसी हैं टोटल, ओके। लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में 2 वैकेंसी, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की 1 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट म्यूजियम में 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2, और लाइब्रेरी अटेंडेंट की 4, और लेबोरेटरी अटेंडेंट जैसा कि मैंने बताया टोटल 40 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और पे लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे लेवल 1 से लेकर के लेवल 10 तक की जॉब्स अवेलेबल हैं, और 30 साल से लेकर 35 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज है, ओके। तो ये तो हो गई पोस्ट की बात, और अब हम आगे बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए भी। देखिए यहाँ पे कुछ वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 1, 1 और 1, टोटल 5 वैकेंसी जो हैं वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इन्फॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस विथ 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, ओके। डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विद 55% मार्क्स, ओके। और बाकी आपके पास अगर नेट वगैरह है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, आपको एक बार इसको नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि मैं अगर एक एक आपके सामने पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी यहाँ पर रखा गया है, जिसमें कि नॉर्म्स फॉर मैन एंड नॉर्म्स फॉर वुमेन भी यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद बात करते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, लेवल 7 की ये जॉब है। यहाँ पर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 इयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस आपका प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनोमस बॉडीज या PSUs या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, अगर आपने कहा है यहाँ पे काम किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट नॉर्म्स यहाँ पे लिखे गए हैं कि डिक्टेशन 10 मिनट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट, और ये आपका ट्रांसक्रिप्शन वगैरह का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। डिजायरेबल में आपके पास डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस है, तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए यहाँ पर BE BTEC मांगे गए हैं, ओके। टेक्निकल असिस्टेंट म्यूजियम के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री हैविंग स्टडीड रिलेवेंट सब्जेक्ट या बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट आप होने चाहिए विद गुड कंप्यूटर जो है नॉलेज के साथ में। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ 10+2 मांगा गया है या फिर ग्रेजुएट विद रिलेवेंट सब्जेक्ट। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 10th मांगा गया है ओनली। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए सिर्फ यहाँ पे 10th आपका पास होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन एंड साइंस के साथ आपका होना चाहिए, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, जनरल नोट वगैरह यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, और यहाँ पर आप इसको जो है पूरा पढ़ सकते हैं, और बाकी यहाँ पे नीचे जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ दी हुई है। और फीस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ आपका लगेगा फॉर ईच एप्लीकेशन, ओके। नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम SC ST PWD कैटेगरी के लिए, कोई भी फीस नहीं होगी, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं होगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख रहे हैं जो, और ये इसका अप्लाई करने का लिंक है जो आपके सामने ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास एक मेल जाएगा, उसको आप वेरीफाई कर देंगे, और उसमें एक OTP आएगा, उसको डाल करके जैसे ही आप ओके करेंगे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर वापस इसी पेज पे आना होगा और लॉगिन करना होगा। तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ और फॉर्म फिल करके आपको बताता हूँ, यानी कि ये इसका फॉर्म कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी ईमेल आईडी वेरीफाइड दिखा रहा है, ओके। और यहाँ पर जब आप यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपके सामने आएगा, जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे, मैं सेकंड टाइम यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, तो अवेलेबल
सेक्शन यहाँ पे देखिए एडिट का आ रहा है, तो जब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा ये देखिए इस तरीके का कुछ फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको फिल करनी होगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। कैटेगरी में यहाँ पे एससी इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जिससे कि हमें पेमेंट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बीच में कहीं अचानक से ना जाए, क्योंकि मैंने अभी पूरा फॉर्म ये फिल नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे कैटेगरी सेलेक्ट किया है। वैसे आपकी जो भी कैटेगरी हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकल एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने एड्रेस फिल कर दिया है, पिन कोड मैं डाल दे रहा हूँ। परमानेंट एड्रेस मैं यहाँ पे पूरा एड्रेस नहीं फिल कर रहा हूँ, फिर सिर्फ जो है वो मैं आपको पेन समझाने के लिए यहाँ पर जो है वो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर ली है और अब हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया है। सबकी फ़ीस यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है, लास्ट डेट आपके सामने आ रही है सभी पोस्ट के लिए, 20 लास्ट डेट है। बहुत छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा क्योंकि इनका पोर्टल ही ऐसा है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि किस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हम नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये देखिए ये पूरा फॉर्म जो है ये ओपन होकर के आ गया है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अब आपको सब अपना जो है नेम ऑफ बोर्ड, बोर्ड रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल इंस्टीट्यूट, मार्क्स डिटेल, ये सब चीज़ आपको फिल करनी होंगी। इसी तरीके सीनियर, ये आपका क्लास ट्वेल्थ का, ये क्लास टेंथ का था क्लास ट्वेल्थ। उसके बाद यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ग्रेजुएशन जो भी आपने किया वो यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद एमए, एमएससी, एमकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया, अगर आपके पास नेट है तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कुछ पोस्ट में यहाँ पे नेट मांगा गया है तो उसको आप जो है एक बार नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा, और जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो भी ऑप्शन आएंगे, पेमेंट वगैरह जो भी आएगा वो आपको कर देना है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये फॉर्म था दोस्तों, नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, एक बार आप और देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है। और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से फॉर्म फिल करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेल कीजिए या कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर अप्लाई करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।